हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी कंप्यूटर मेमोरी, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी कहते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि इंटरनल मेमोरी कौन सा है और एक्सटर्नल मेमोरी कौन सा है। तो चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ, इस डाउट को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल मेमोरी में कौन सी कंप्यूटर मेमोरी आती है। सबसे पहले इंटरनल मेमोरी में आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम कहते हैं रैम, और आती है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम कहते हैं रोम। ये दो होते हैं जो सबसे स्पेशल होते हैं, जो कि इंटरनल मेमोरी में हम इन्हें रखते हैं। दूसरी बात करते हैं उसी तरफ एक्सटर्नल मेमोरी की। तो एक्सटर्नल मेमोरी में जो आप कहते हैं हार्ड डिस्क हो गए, सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लूरे डिस्क हो गया आपका, फिर वो पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब जो आपके आते हैं ना मेमोरी में आते हैं। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस इंटरनल मेमोरी वर्सेस एक्सटर्नल मेमोरी। और भी इसे डिटेल में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके ज़रूर जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।